ग्रामीणों की एकता और साहस के चलते दो शातिर बदमाश को पुलिस ने काबू किया है। दोनों बदमाश ने गांव लहरिया में बाइक पर सवार ससुर व उसकी पुत्र बुधू पर अचानक लोहे की रॉड से हमला किया और उनका पर्स लेकर भागने लगे। ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों का पीछा किया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी जगदीश काजला ने बताया कि बदमाशों से बरामद किया गया बाइक चोरी का है। फिलहाल जांच में सामने आया है कि जिस घर से बदमाशों ने बाइक चोरी किया था उन्होंने भी ये बाइक कहीं और से चुराया था। ये लहरिया में कल एक साधनवास गांव की कोई फैमिली थी, ये आदमी है कोई कुलजीत नाम का, वो अपने पुत्र वधू और पोते के साथ एक शादी में होना के लिए आ रहा था। पीछे से दो लड़के बाइक लेके आए और उन्होंने उनके सामने आके बाइक लगा दिया और वो लेडीज का पर्स छीनने के लिए उन्होंने कोशिश की। तब इन्होंने विरोध किया तो जो लड़का पीछे बैठा था उसने हाथ में रोड ली हुई थी, वो रोड उस लेडी के मुंह पे मारी जिससे वो तीन चार टांके भी उसको आए हैं और लगते ही वो बेहोश हो गया, गिर गई वहाँ। इतनी देर में जैसे ही गांव में कोई वो नज़दीकी था, दो तीन लड़के आ रहे थे, उन्होंने जैसे ही शोर मचाया तो गाँव वाले लड़के भी उनके पीछे लग गए। वहाँ से फिर उन्होंने खेतों में जाके इनको पकड़ भी लिया, पकड़ के ना फिर फोन आ गया था, उन्होंने पुलिस के हैंड ओवर इनको दिया है बाद में। लेकिन वो रिकवरी वगैरह भी होगी, दोनों को अरेस्ट भी कर लिया है और उसके बाद जो मोटरसाइकिल उनके पास था वो भी पता लगा है कि उन्होंने कुला से चोरी किया था और उसके अंदर भी चार पांच मोबाइल वगैरह रखे हुए थे। तो आज कल वाले मामले की सारी रिकवरी वगैरह हो चुकी है, लेकिन आगे ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं चोरी का था भाई, वो भी किसी चोर के घर में, चोरी वाली बात है क्योंकि उस मोबाइल के अंदर जो बाइक के अंदर मोबाइल वगैरह है वो डाउटफुल में है। इसलिए इस सारे मामले की गहनता से जानकारी जानने के लिए और आगे क्या क्या वारदातों में ये वांछित है या रहे हैं या इन्होंने की है वो पता करने के लिए आज माननीय अदालत में पेश करके उनका पुलिस रिमांड 3 दिन का हासिल किया गया है। तो पहले भी सर इन्होंने कोई चोरी की वारदात को अंजाम दिया है? हाँ, इस बारे में अभी तक तो इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई है भाई हमने फतेहाबाद के अंदर या बुना के अंदर कोई ऐसी चोरी की है, लेकिन चोरी की जरूर हो सकती है क्योंकि उसमें जो मोबाइल वगैरह है ना, अभी वो बताया था कि एक मोबाइल जो चार्जिंग पर लगाया तो कोई पंजाब से फोन आया था भाई ये मोबाइल मेरी दुकान से चोरी हुआ है, तो चोरी से तार तो इनके जुड़े हुए हैं तो उसीलिए पुलिस रिमांड हासिल किया गया इनका और अब गहनता से उनसे पूछताछ करके जो जो वारदात इन्होंने कर रखी है वो सारी। ग्रामीणों के हौसले के कारण दो बदमाश तो पुलिस के पकड़ में आ चुके हैं, वहीं अब बाइक चोरी की घटनाओं से भी पर्दा उठने की संभावना है। फतेहाबाद से साहिल रुखाया की रिपोर्ट।